हमारे स्वानन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वानन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं नेहा पारचा स्वानंद के नवरात्रोत्सव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उल्लासनगर 3 हीराघाट परिसर में प्रभाग क्रमांक अ की तरफ से प्रभाग क्रमांक अ में श्रीमती नगर सेविका श्रीमती शुभांगी बहनवाल की तरफ से यहाँ पर भव्य माता की ज्योत का आयोजन किया गया है। आइए नगर सेविका शुभांगी बहनवाल से जानते हैं इस माता की ज्योत के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो जमा हुई है नागरिक है और यहाँ पर मेरी खास करके मेरी कहूँगी मेरी पब्लिक है जिन्होंने मुझे हर वक्त सहयोग किया हुआ है, उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद व्यक्त करूँगी। उन्होंने इतने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की हुई है माता के दर्शन के लिए, उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आने वाली अष्टमी और नवमी के लिए उनके लिए माता से दरख्वास्त करती हूँ कि वो उनके लिए अच्छा साल जाए, खुशहाल आए और खुशहाल आए उनके लिए। हर साल नवरात्रि की जो माता की चौकी रखते हैं हम लोग, उसमें जो हमारे स्थानीय हीराघाट वासी है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आते हैं और सच्चे श्रद्धालु हैं। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और रही बात, मैं एक संदेश देना चाहूँगा सरकार को कि कम से कम धार्मिक कार्य जो सच्ची श्रद्धा से और दिल से होता है तो उनमें कम से कम कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, उनको मतलब प्रोग्राम करने के लिए देना चाहिए जो कि हमारी संस्कृति की बची रहे। अगर हम हिंदुस्तान में रह के अगर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, जैसे दबाव बन रहा है। तो सरकार से मेरी विनंती हाथ जोड़ के कि आगे चल के कम से कम जो धार्मिक प्रोग्राम जो सच्चे दिल से होते हैं उनके लिए थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए देशवासियों को। नवरात्रि और दशहरे की और मेरी और मेरी पत्नी नगर सेविका शिवसेना नगर सेविका और शिवसेना की तरफ से नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हर साल की तरह इस साल भी बहनवाल साहब ने यहाँ पर माता की ज्योत का आयोजन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल की तरह इस बार भी माता की ज्योत का भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। हमारी नगर सेविका सम्माननीय बहनवाल जी, उनके मिस्टर पप्पू बहनवाल, इन्होंने और काफ़ी हमारे यहाँ की जो जनता है इन्होंने अच्छा सहयोग दिया। अच्छे लोग अच्छे यहाँ पे काफ़ी पैमाने पर यहाँ पे आए थे और उनका सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी शिवसैनिकों ने, सभी शाखा के पदाधिकारियों ने अच्छा सहयोग दिया, कार्यक्रम को सक्सेसफुल किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ दिवाली और दशहरे का सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभेच्छा शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।